Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. I am your computer science teacher and welcome to e-learning system. Student, आज हम class 8 unit number 1 उसके दो short question है उसको हम discuss करेंगे अपने lecture में. चलाइए चलते हैं हम lecture की तरफ. मेरा first question है question number 4 का third part short question है कि what is modem? Modem की working क्या है? तो इसको आपने जो डायग्राम की साथ आपने इसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है स्टूडेंट, तो मॉडेम के बारे में स्टूडेंट याद रखिएगा जी, ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है. क्या है? एक कम्युनिकेशन डिवाइस है विच इज़ यूज टू कनेक्ट टू इंटरनेट, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट के साथ इस्तेमाल कनेक्ट करने के लिए. मॉडेम का जो है ना मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, यानी ये दो लफ्ज आपस में मिलके मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, आप दोनों लफाज को आपस में मिलाएंगे तो मॉडम का जो है ना वर्ड ये वजूद में आया. ठीक है जी, तो मॉडम ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए. और इसकी मेन वर्किंग है कि ये डाटा को सेंड करता है, डाटा को रिसीव करता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ये देखें, ये एक पी सी है यानी पर्सनल कंप्यूटर, इसके साथ मैंने एक मॉडेम को अटैच कर दिया है. फिर जब हमारा मैसेज, जब इंफॉर्मेशन, जब हमारे कोई डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जाता है, ये टेलीफोन लाइन है, टेलीफोन लाइन से जब दूसरे कंप्यूटर पर जाएगा तो उस कंप्यूटर के मॉडेम के साथ ये टेलीफोन लाइन अटैच होगी और वो मॉडेम जो है ना उस कंप्यूटर के साथ अटैच होगा. यानी कि ये हमारा पी सी है पहला यानी कंप्यूटर, ये दूसरा कंप्यूटर है जिसके ऊपर हमारा मैसेज जा रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो तस्वीर मैंने बनाई है इसको मॉडेम कहते हैं. हर कम याद रखिएगा, हर कंप्यूटर के साथ मॉडेम का अटैच होना ज़रूरी है. अगर ये मॉडेम अटैच होगा तो कंप्यूटर हमारा इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा. आइए अब इसके हम डायग्राम देखते हैं कि ये जो हमारा डाटा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ जब जाता है तो किस सूरत में जो है ना ये सिग्नल्स की क्या कंडीशन होती है, कि किस सूरत में ये सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं. तो देखिए जी स्टूडेंट, सबसे पहले इसका ये वाला पार्ट है, इसमें आप देखेंगे ये सिग्नल्स जो है ना इसको कहते हैं डिजिटल सिग्नल्स. ठीक है, ये डिजिटल सिग्नल की फॉर्म है. जब उस कंप्यूटर से मॉडेम की तरफ जा रहा है तो डिजिटल सिग्नल है, फिर मॉडेम से आगे दूसरे मॉडेम की तरफ जब ये टेलीफोन लाइन के जरिए सिग्नल जाएंगे तो ये एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे और एनालॉग सिग्नल की ये वाली फॉर्म होती है. जब एनालॉग सिग्नल के बाद जब मॉडेम से फिर दोबारा पीसी के पास सिग्नल जाएंगे तो ये मॉडेम क्या करेगा, उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी एक इसकी डायग्राम थी. इस डायग्राम को भी आपने याद करना है कि जब हमारे सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में तो वो सिग्नल किस फॉर्म में होते हैं, यानी पहले डिजिटल सिग्नल, फिर एनालॉग फॉर्म में चले जाते हैं, फिर एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में चले जाते हैं. तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन था मॉडेम. उसके बाद आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन. स्टूडेंट सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन को, यानी बगैर तार के, बगैर वायर के जो कम्युनिकेशन होती है उसको वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं. इन विच सैटेलाइट्स आर मेन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इसके अंदर सैटेलाइट्स क्या होते हैं, मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं. इट एनेबल अस टू कम्युनिकेट ओवर लार्ज डिस्टेंसेज, यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन काफ़ी बड़े डिस्टेंस पे आपस में कम्युनिकेट करने के काम आते हैं. तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि हर मुल्क ने आपने एक सैटेलाइट हवा में ऊपर भेजा होता है, ये हर मुल्क ने अपने सैटेलाइट भेजे थे. ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन इन सैटेलाइट्स के जरिए होती है, यानी एक हमारे जो सिग्नल्स हैं एक सैटेलाइट से दूसरे मुल्क के सैटेलाइट्स के पास जाते हैं, वहाँ से तीसरे मुल्क कंट्री के किसी सैटेलाइट के पास जाएंगे. इसी तरह ये सिग्नल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना ट्रांसफ़र करते हैं, यानी एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट. तो ये सैटेलाइट्स क्या करते हैं, हमें लार्ज डिस्टेंसेस के ऊपर अपना डाटा का या अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो ये था हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट. और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ पार्ट है लैन एंड मैन, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जिसके अंदर लैन मैन और वैन इन तीनों को मैं पढ़ा दूंगा. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा लेक्चर आज कंप्लीट होता है, तो यहाँ तक काफ़ी हम मिलते हैं, लिहाजा नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज़.